ये आपसे बात करना चाहते हैं। क्या बात करनी? ये एक खतरनाक मुजरिम है, उस टाइम के लिए से यहाँ लॉकअप में रखना है। आप लोग किस डिवीजन से हैं? डिवीजन बता देंगे आपको, इतनी जल्दी क्या है, पहले इसे लॉकअप में तो डाल दो। वो तो ठीक है, लेकिन ये अपराधी है कौन और इसने किया क्या है? कोई हिस्ट्री चीटर है क्या ये? सारी जगह क्लीन कर दो। हाँ सर, अभी फिलहाल तो क्राइम ब्रांच में हूं, बरबोजा इधर ही है। हाँ, लेके जा रहा हूं उसे सेफ हाउस। राइट सर जी, थैंक यू। पांच मिनट में निकलेंगे सर। ये क्राइम ब्रांच के ऑफिसर भी हमारे साथ रहेंगे सर, भरोसेमंद और बहादुर ऑफिसर से। गुड। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, बाहर कोई भी अपना फोन इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक हम ना कहें। सर। और अभिजीत, अगर ज्यादा सिक्योरिटी लगानी है तो और भी मंगवा लो, लेकिन इस बरबोजा को किसी भी हालत में सही सलामत सेफ हाउस तक लेके जाना है। हंसी आ रही है। So, really sorry. मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों को यकीन है कि मुझे कैद करके रख पाओगे? बरबोजा, तुम्हें सिर्फ जेल में नहीं रखेंगे, फांसी के फंदे पर भी लटकाएंगे। तुम्हारा गेम ओवर। एसीपी प्रद्युमन, बरबोजा को खेल खेलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो कोई ऐसा खेल खेलता ही नहीं जो ओवर हो जाए। सर, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। ये बताओ कि मेरा जुलूस निकालोगे या मेरी बारात निकालोगे? मैं अपनी एग्जिट अकॉर्डिंगली लूं। जनाजा निकालेंगे तुम्हारा। हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, एक दूसरे के साथ हमने काफी समय बिताया है, कई सारे केसेस जान हथेली पे रखकर हमने एक साथ सॉल्व किए हैं, हर खतरे में एक दूसरे का साथ दिया हमने। ऐसा लगता था जैसे हम सब एक परिवार हैं, और बहुत विश्वास था मुझे तुम पर, दिल से। पर अब सब ये जानना चाहते हैं कि क्यों किया तुमने ये सब? हाँ, दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा होता है मालूम है आपको? हाँ, दोस्ती का रिश्ता जो निस्वार्थ होता है, जहां पे वफादारी, सम्मान और इज्जत हमेशा बनी रहती है। दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता एक माँ और उसके बच्चे का होता है।
सीआईडी छोड़ने के बाद मैं अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन किरदार निभा रही थी, मां का किरदार। मैं उस वक्त जितनी खुश थी उससे पहले कभी नहीं हुई थी। मैं मां बनी थी, मुझे बेटी हुई थी, उसके जन्म लेते से उसे मुझसे दूर कर दिया गया। मैंने किसी को नहीं बताया कि उसकी जान खतरे में। वो समय समय पर मुझे उसकी फोटो भेजता था और मैंने अपनी बेटी को फोटो में ही बड़ा होते देखा। कहाँ कहाँ रखा उसने तुम्हारी बच्ची को? पता नहीं, अगर कहीं छुपा रखा उसे बचाने के लिए मैं कठपुतली की तरह काम कर रही हूँ, जैसे नचा रहा मैं नाच रही हूँ। I'm so sorry, Shreya. मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ है। मेरी बेटी माहिरा पिछले महीने 1 साल की हो गई है और वो मेरे पास नहीं है। कभी कभी तो मुझे लगता कहीं बरबोसा मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा। वो जिंदा है भी या नहीं मुझे पता नहीं। हिम्मत रखो श्रेया, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। नहीं, आप नहीं समझ सकते, आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते। माँ बाप अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि जिससे प्यार करते हैं उस इंसान को धोखा दे सकते हैं, उसमें जानलेवा हमला भी कर सकते हैं। ओके सर, मैं भी आता हूं। मूव कर गए, मगर सर हमारे पीछे 2 गाड़ियां लगी हुई हैं। प्लान सक्सेसफुल सर, उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें चारा मिल गया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बरबोसा इन गाड़ियों में है ही नहीं। ठीक है शेख, ओके, थैंक यू। चलो, कहाँ तुम्हारा जुलूस जो निकालना है? पर मुझे तो सिंगापुर जाना है। तुम्हारे सिंगापुर का टिकट कैंसिल हो गया है। क्यों? कालकोठरी का कंफर्म हो गया है ना। चलो अगर ऐसा हुआ तो जो तुम लोग की ये पूरी सीआईडी की जो पूरी टीम है ना,
इन सब का जहन्नुम का टिकट मैं स्पॉन्सर करूंगा, ये वादा है मेरा। ओके चलो चलो। बात बोलता है, संभाल के चलना इसी पे, कब क्या हो जाए पता नहीं। गोली कहीं से भी चल सकती है, हमला कहीं पे भी हो सकता है। अभिजीत, फैमिली है सर, बच्ची है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लगता है तुम लोग मुझे सीरियसली ले नहीं रहे। अब हो सकता है उस गाड़ी में जो बच्ची बैठी है उसके स्कूल बैग में बॉम्ब हो। क्या है कि मैं अपने लोगों को कह के आया हूँ कि ये सीआईडी वाले मुझे जिंदा ना पकड़ लें। अगर ऐसा हुआ तो वो लोग शर्म से अपने आप को गोली मार देंगे और ऐसा वो होने नहीं देंगे, क्योंकि मेरे लोग जो हैं वो मुझे भगवान से भी ज्यादा मानते हैं। वो देख रहे हैं, वो सामने देखिए और जा रही प्रेम के साथ। हो सकता है उस प्रेम में बच्चा ना हो, बजूका हो। हाँ मौत की दहशत तुम्हारी बातों में झलक रही है बुरबुजा, बौखला गए हो तुम। अच्छा चलिए मैं बौखला गया हूं, माना। इसलिए बाहर की बात छोड़ो, अपने अंदर की बात करते हैं। ये जो क्राइम ब्रांच के लोग आपके साथ हैं, क्या गारंटी की असली है? लगाना छटका। क्या जानते हो तुम और तुम्हारी सीआईडी टीम इन लोगों के बारे में? देखो बुरबुजा, मैं अपनी टीम पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ, समझे? रियली? जैसे श्रेया पे किया था? यू एसीपी साहब, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और ये कमजोरी जो होती है ज्यादातर इंसान से गलती ही करवाती है। कमजोरी कुछ भी हो सकती है, जैसे प्यार बहुत बड़ी कमजोरी है, और ये प्यार किसी से भी हो सकता है, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, बीवी। आपको भी तो अपने परिवार से प्यार होगा, इतना गुस्सा मत दिखा, डर जाऊंगा मैं। इंसान कहलाने के लायक नहीं हो तुम, हैवान हो, हैवान। तुम्हारे जैसे आदमी को तो इस दुनिया में जीने का हक नहीं है। चलो ठीक है, मैं हैवान हूं, मान लिया, मगर क्या है कि ये हैवान अपनी खुद की दुनिया बना चुका है, अ बिलियन डॉलर ऑर्गेनाइजेशन। जिस दुनिया में सारे हक सिर्फ मेरे हैं, इस दुनिया का मैं जज भी हूं और जल्लाद भी। अपने लोगों को मैंने पैसों के नशे की ऐसी लत लगा दी है कि वफादारी करना उनकी मजबूरी बन गई है। मैं उन पर जुर्म करता हूं, उनकी वफादारी और बढ़ती है। कहो तो तुम सबको भी इस नशे की लत लगवा दूं, मजा आ जाएगा जिंदगी जीने में, आई स्वेयर। देखते रहना, तुम्हारी इस दुनिया का नामो निशान मिटा देंगे हम। मरते वक्त पानी पिलाने वाला तक नसीब नहीं होगा तुम्हें। तुम लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो कि ये तुम्हारा डर खुद बोल रहा है? किसी ने गोली चलाई तो बार बोसा जाएगा।
Fire! पब्लिक का पैसा वेस्ट हो रहा है, ये गोलियां महंगी आती हैं। अब मैं खतरे में हूं, उन्हें अपनी वफादारी का सबूत देना है, वो सुनेंगे थोड़ी तुम्हारी, कुछ नहीं कर पाओगे। सर गोलियां खत्म हो रही है, न जाने कितने लोग आए। मंगाऊं? दो मिनट में आ जाएगी। चुप, तेरे लिए एक गोली है इसमें। अभिजीत एक काम करो, तुम और दया दरवाजा को यहां से लेके जाओ। आपको यहां छोड़ के? सर नहीं, That's an order, दया। फॉलो करो। अगर इसने ज्यादा नाटक किया ना तो उड़ा दो इसे। पूरे पंकज जॉइन के साथ। हो रही है, डोंट वरी, मौत आएगी, घबराहट चली जाएगी। रियली? घबराहट तो तेरी बढ़ने वाली है, अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा तू, याद है? वक्त बताएगा, क्योंकि ज्यादा दूर जा नहीं पाओगे, ये पूरा जंगल मेरे लोगों ने घेर रखा है, कोई रास्ता ही नहीं है, क्या करेंगे? कोई ऐसी जगह देखनी होगी जहां पे हम सब इकट्ठा आ सके और इसे भी वहां रख सके। राइट, वहां आगे एक पुलिस स्टेशन है, वहां चलते हैं, यही ठीक रहेगा। पुलिस स्टेशन है? लवली, चलो चलो चलो। तेरी गोलियां खत्म एसीपी, और तेरे लोग भी। अब तेरी बारी। Yes, आप कौन? हम लोग सीआईडी से। ये लॉकअप खोलो जल्दी और इस आदमी को इस लॉकअप के अंदर बंद कर दो, और अपने जितने भी लोग हैं वहां तैनात कर दो, अलर्ट रहो सब लोग, चलो। अरे यार सैल्यूट हो गया, जैसा कह रहे हैं वैसा करो, इसको डालो अंदर। सर ये लोग सैल्यूट कैसे कर रहे हैं? At ease. Thank you, घनश्याम। क्या लगा तुम लोगों को कि तुम मुझे यहां लेके आए हो? ना, मैं लेके आया हूं तुम्हें यहां। एक सेकेंड। इन लोगों की ना पिस्तौल में गोलियां नहीं है, फायर।
सब कुछ तैयार है ना? हाँ सर, प्लान के मुताबिक तो सब सेट है। कि फ्लाइट में कितना टाइम है अभी? सर पूरे 4 घंटे बाकी हैं। बहुत टाइम है अभी, बहुत टाइम है। खेल थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, थोड़ा इमोशनल वाला खेल खेलना चाहिए। ये सीआईडी वाले में जो 20 साल की पुरानी दोस्ती है, इसको थोड़ा और कुरेदना चाहिए। वो क्या कर रहा है, दाढ़ी किसी बढ़ेगी? क्यों, किस पुलिस वाले की होती है ऐसी दाढ़ी? है सब सल्यूट गलत सलाह, सब ऐसे ऐसे। इसको सब सिखाया था सर मैंने। चलो हो रही है ना, जब तक जिंदा क्यों हो रही कि नहीं हो रही? मैंने तुम लोगों को ट्रैंक्विलाइजर से मारा था क्योंकि मैं तुम सबको बराबर का दर्द दूंगा, बराबर का दर्द। दया पंकज कहाँ है? यही है दया पंकज, दया पंकज, यही है दया पंकज। तुम्हारी कंडीशन जैसी है वैसी ही उनकी भी हालत है, देखना चाहोगे? देखोगे? दया और पंकज, ये लो। पंकज हिलना नहीं, करंट है इसमें। अभिजीत, उर्वी, अभिजीत सर, उर्वी। तुम जो भी कर रहे हो बारबोसा, अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। गड्ढा तो खोद रहा हूं लेकिन गिरोगे तुम उसमें। बट उससे पहले मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा फैन हूं मैं तुम लोगों का, इसलिए सलूट सलूट। क्योंकि ये दोस्ती और वफादारी को तो 20 सालों से निभा रहे हो तुम लोग, ये काबिले तारीफ है। मतलब इस तरह की दोस्ती और वफादारी तो अरे सगे भाई बहन नहीं कर सकते ऐसा। वफादारी, दोस्ती, ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते बारबोसा। अरे तो मैंने कब कहा कि मैं किसी का दोस्त हूं या वफादार हूं? मैंने तो कभी कहा नहीं। और तुम लोग जो अपनी दोस्ती और वफादारी पे इतना दम भरते हो, उसको आजमा लेते हैं, क्या दिक्कत है? सीआईडी की जाबाज और बहादुर अफसर पूर्वी, हड़बड़ाहट पे तुमने अगर अपने पैर इधर उधर किए और स्टूल से गिरी तो फिर तुम्हारी जीवन लीला खत्म हो जाएगी। और तुम ऐसा करोगी? क्या बकवास कर रहे हो ये? अरे पूरी बात तो सुन लो यार, तुम तो हाइपर हुए जा रहे हो जबरदस्ती। अगर वो चाहती है कि तुम जिंदा रहो तो उसे ऐसा करना पड़ेगा। क्यों क्यों कर रहे हो ये पागलपन? इसी का तो मजा है, इसी का मजा है। देखो पलटो, वो वेंट देख रहे हो, ये गैस थोड़ी जहरीली है, 10 मिनट के अंदर यू विल बी नो मोर, अगर तुम बाहर ना आ पाए तो। मौत का खौफ किसे दिखा रहा है बरबोसा? मौत से हम लोग रोज खेलते हैं। खेलते हो गए, आज तुम थोड़ी खेल रहे हो, मैं खेल रहा हूं सिर्फ। और अगर अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो वो देख रहे हो लिवर, उसको घुमाओगे गैस बढ़ेगी और तुम सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर मर जाओगे। मरते ही तुम्हारी दिल की जो ज्योग्राफी है वो स्क्रीन पे आ जाएगी, जैसे ही टैं, पूर्वी की हथकड़ी खुल जाएगी, वो आजाद हो जाएगी। और सेम थ्योरी पूर्वी, ध्यान दो, तुम पर भी लागू होती है। तुम अगर चाहती हो कि जिंदा रहे तो तुम्हें रस्सी पे लटकना होगा। तुम मरोगी, इस रस्सी का दूसरा सिरा जो इस लीवर से बंधा है, ये लीवर खुल जाएगा और ये आजाद हो जाएगा। बस देखना यह है कि
तुम खुद अपने आप को बचाते हो या फिर अपने दोस्त को? नाउ दया एंड पंकज सर, क्या क्या कर रहे हो दया? पंकज मर जाएगा। खेल शुरू होने से पहले उसके रूल्स तो समझ लो। ये खेल तुम सबकी वफादारी का एक टेस्ट है। तो वो क्या है कि मेरा मानना है कि हर इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे गलत साबित कर पाते हो या नहीं। देखते हैं, पहले तुम दोनों का टास्क क्या है ये तो समझ लो। इस टैंक में पानी भरा जाएगा जो ठीक 12 मिनट के अंदर पूरा भर जाएगा। तुम्हारे जैसे ऑफिसर 3-4 मिनट पानी के अंदर रह पाएंगे, उसके बाद सीधे। कुछ करो सर, सामने लिवर देख रहे हो? अगर तुमने उसे घुमा दिया तो सारा पानी बाहर आ जाएगा और तुम बच जाओगे। पर वो तार देख रहे हो पंकज के आसपास, उसमें 3000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। पानी तार को छुएगा और पंकज मर जाएगा। अब इसका उल्टा एक और जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि पंकज खुद तार को पकड़ ले और मर जाए। वो मर जाएगा, तुम आराम से लीवर खोल के बाहर आ सकते हो। अब देखना यह है कि कौन किसके लिए जान देता है। गेम सिर्फ इतना सा है। ओह, तो तुम हम सबको मरते हुए देखना चाहते हो? नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम दोनों एक दूसरे के लिए कैसे जान देते हो ये देखना चाहता हूं। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि एसीपी और फ्रेडी आएंगे और फिर तुम लोगों को बचाएंगे तो इस गलतफहमी मत रहना। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही गेम चल रहा है। ओके, तुम देखते हैं, देखना चाहते हो? हाँ देखो। रेडी रेडी सर। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे एसीपी साहब के पास सिर्फ 15 मिनट का ऑक्सीजन बचा है। तो तुम में से जो भी बहादुर सिपाही बाहर आ पाएगा, यहाँ पे इस कमरे में, इस लिफाफे में, और दया जहाँ तुम हो वहां भी ऐसा एक लिफाफा है, इसमें लॉन्गिट्यूड और उसमें लैटिट्यूड है, जिनको जोड़ करके तुम एसीपी साहब की पोजीशन को ट्रैक कर सकते हो। मेरे भी जाने का वक्त हो गया है, मुझे भी निकलना है। तो हैव फन, एंजॉय योरसेल्फ। सायोनारा। नहीं, पंकज आराम से बैठे रहो, हिलना नहीं अपनी जगह से। मैं कुछ सोचता हूं। सर, सर मैं स्टूल गिरा रही हूं, आप बाकी लोगों को बचा लीजिए। नहीं, नहीं। बेवकूफी वाली बात मत करो, हम सब बचेंगे, हम सब बचेंगे। हमको सबको बचा लो और ये बारबोजा को सर नहीं छोड़ना।
तेरी सर को मार दिया इसने। कुछ नहीं होगा पंकज, तुझे कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। तेरा यकीन मानो, मैं करता हूं, मैं कुछ करता हूं। सर आपकी हालत बहुत खराब है, वो गैस आपको मार देगी। सर सर आपकी जरूरत है सीआईडी को, आप बाकियों को बचा लीजिए। नहीं सर, मैं ये बात छोड़ रहा हूं। पंकज वहीं पे रहो। ऑफिसर के रहते मुझे क्या होगा? लैटिट्यूड 43.6614 डिग्री नॉर्थ। हेलो हेलो अभिजीत, दया अरे यार पंकज, पंकज कैसे? हाँ पंकज है मेरे साथ, वो ठीक है। और पूर्वी? पूर्वी साथ में, हम लोग साथ में। एसीपी साहब को बचाना है किसी भी हाल में, हमारे पास वक्त बहुत कम है। और अभिजीत यहाँ पे ये एनवेलप में एक नोट है, लैटिट्यूड 43.6614 डिग्री नॉर्थ। सर सर वो बारबोजा ने कहा था किसी भी सर के पास सिर्फ 15 मिनट का ऑक्सीजन टैंक है, 20 मिनट से ऊपर हो गए सर।
सर देर हो गई सर, सर सर बहुत देर हो गई है, कहीं एसीपी सर? सर यही है। सामने कोई है? बच कैसे गया? चला ले, चला ले। एसीपी, तुम बच कैसे गए? पुरवोजा, न धरती गवाह होगी न आसमां गवाह होगा, तेरा हश्र तो वही होगा जो मेरे हाथों लिखा होगा। उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब उल्टी गिनती खत्म होने का वक्त आ गया। खेल खेलने का बहुत शौक है ना तुझे? टाइम आ गया है तेरा खेल खत्म करने का। मानना पड़ेगा तुम लोगों की बहादुरी को मौत को मात देने की आदत पड़ गई तुम लोगों को है, पर इस बार एक खेल और खेलना पड़ेगा, आखिरी खेल। उसके लिए आपको 20 सेकेंड इंतजार करना पड़ेगा। घबराओ नहीं, इस बार कोई वफादारी का इम्तिहान नहीं होगा ना। ये वाला खेल थोड़ा सा अलग है। अब जो भी खेल खेलना है ना बारबोजा, हमारी जेल की सलाखों के पीछे खेलते बैठना, ले चलो इसे। एसीपी साहब प्लीज, इतना इंतजार किया, 10 सेकंड और नहीं कर सकते? द टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. उठाइए, वीडियो कॉल है आपके लिए। हेलो एसीपी बारबोसा, शौक लगा ना? मजा आ रहा है? अभिजीत सीरियस सुपरस्टार, आई होप ये झटका तुम बर्दाश्त कर पाओगे।
अपने ऐसा दोस्त एक मुझे भी दिला दो ना। दया, big fan. मिलूंगा तुमसे तो चाहे जितनी जबरदस्ती करने पड़े ऑटोग्राफ जरूर लूंगा तुम्हारा, पर फिलहाल इस झटके को बर्दाश्त करने की हिम्मत ऊपर वाला तुम्हें दे। ये सब लोग कौन है? बारबोजा, आई गैंग का लीडर। तुमको क्या लगा मुझे पकड़ लिया तो बारबोजा को पकड़ लिया? अंधेरे में रहते हो तुम सब। अब सिर्फ ये तय करना है कि इसमें से बारबोजा असली कौन है और नकली कौन है। मजा आया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.